कोई कस्टमर बैठ नहीं रहा है, सब भाग जा रहा है, बदबू मार रहा है, हम लोगों का बिजनेस चौपट हो गया। सर बहुत परेशानी होती है हम लोगों को सर, एकदम बास मारता है उधर सर। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। ये मेरे पीछे जो कचरे का ढेर है, ये पटना का वीआईपी इलाका है, बोरिंग रोड, जहाँ कचरे का ढेर लगा। और ये कचरे का ढेर इसलिए क्योंकि जो पटना नगर निगम के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। और ये सिर्फ यहीं का नज़ारा नहीं है, पटना के तमाम जगहों पे जो है ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये बदबूदार कचरे जो है वो जगह जगह आपको सड़कों पे फैले मिलेंगे, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे हैं और ये सड़कों पे कचरे का उठाव नहीं कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर, अपनी वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसको लेकर के जो सड़कों पे कचरा है उनका उठाव नहीं हो रहा है, कचरों का अंबार लग चुका है। ये चार दिन से जो आंदोलन चल रहा है नगर निगम के कर्मचारी का, इसके बाद का ये नज़ारा है, कचरों का उठाव नहीं हो रहा है, जिसको लेकर ये नज़ारा आपको पटना की सड़कों पर दिख रहा है। इतना बदबूदार है कि हमारे नाक में भी इतनी जोर की बदबू आ रही है कि क्या कहा जाए। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि पटना वासियों का क्या हाल है। नीतीश कुमार का सपना रहा है बिहार को स्वच्छ बनाना, लेकिन अगर ऐसा कचरे का ढेर रोड पे पड़ा रहेगा तो क्या बिहार स्वच्छ बन पाएगा। इसको लेकर हम आज पटना वासियों से भी बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है, जो कचरा फैला है इससे उनको क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, हमारे साथ स्थानीय नागरिक है, उनसे हम बात करेंगे। कचरे का ढेर पड़ा है, इससे कितने परेशानी नहीं है भैया, देख रहे हैं पूरा दम पूरा बदबू मार रहा है, बीमारी के घर हो गए। एक तो जैसे कोरोना के बीमारी छा, पूरा कचरा फैल रहा है, तीन चार दिन से पूरा पड़ रहा है, पूरा दम देख रहे हैं सर जी। क्या बोले सर जी, तो सर समझना चाहिए सरकार को, सर समस्या हल करके उठवाना चाहिए, इसे सर सफाई करना चाहिए सर जी। और क्या बोले सर जी, पूरा बदबू मारा देख रहे हैं, पूरा दम गंदगी पूरा फैला हुआ, चार दिन से आज पूरा फैला हुआ सर। बार बार नगर निगम के कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे चले जाते हैं, उसके बाद पटना की यही बदतर स्थिति हो जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे सरकार? सरकार के ही कहेंगे कि जो मांग है समस्या का हल कर दे सर, सर सफैया जो है उनको हटवाएं उठवाएं सर जी। आओ क्या कहें, बड़ बीमारी के घर चल रहा है सर, इससे बड़ बीमारी और पूरा फैलेगा सर जी, समस्या जी। कचरा फैला है, कितनी परेशानी होती है? सर बहुत परेशानी होती है हम लोग को सर, एक गंध बास मारता है उधर सर, इतना पूछिए मत, इधर काम करने में मन नहीं लगता है। इधर नगर निगम के कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानेगी तो पटना को और बर्बाद कर देंगे, और बदतर कर देंगे। सर ये देख के उल्टी गए से मन आती है सर, इधर एक बार दिखा दीजिए सर, इधर दिखा दीजिए एक बार ये कचरा सब। हमारे साथ कुछ दुकान वाले, उनसे बात करेंगे। काफी कचरा जमा है आपके दुकान के पास, कितनी समस्या होती है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है, समस्या सर, कोई कस्टमर बैठ नहीं रहा है, सब भाग जा रहे, बदबू मार रहा है, हम लोगों का बिजनेस चौपट हो गया है। कितना दिन से कचरा नहीं उठ रहा? ये लगता है चार दिन से नहीं उठ रहा है। नगर निगम बार बार ऐसे हड़ताल पे चली जाती है, कितनी परेशानी होती है? उनकी मांगे है, उनकी मांगे सरकार मान ले तो हम लोगों को भी राहत मिले, सरकार अपनी जबरदस्ती प्यारी हुई है, उनकी मांगे सुनते नहीं, कम पैसे में कैसे रोजगार चलेगा किसी का, महंगाई का जमाना है, मजदूरी कम मिलेगा तो लोग हड़ताल करेंगे ही करेंगे। हम लोग पे मार पड़ रहा है, फुटपाथ पे दुकानदारी है, गरीब आदमी है, दुकान नहीं चल रहा है गंदगी की वजह से, बदबू मार रहा है, कस्टमर कहते कैसे इसे खाएंगे। गरीब आदमी जो डॉक्टर साहब के यहाँ आते हैं तो सस्ता खाना खोजते हैं, हम लोग सस्ता खाना बेचते हैं, तो सस्ता खाना बेचते हैं, वो आते हैं, वो तो रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते हैं, बड़े बड़े होटल में जा नहीं सकते हैं, या कहते कि दे भैया बहुत महंगा कर रहा है, हम कैसे रहेंगे। तो आपने सुना कि जो आम नागरिक हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी पूरे तरीके से परेशान हैं, उनके जो बिजनेस है वो भी चौपट हो गए, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि आपके दुकान के आसपास कचरा जमा है तो हम यहाँ पे बैठ के कैसे खाएं। जो आम नागरिक हैं वो भी कह रहे हैं कि उल्टी जैसा मन करने लगता है इन सारे कचरों की बदबू से। तो ये थे हमारे साथ पटना के लोग, पटना के दुकान वाले, जिनकी समस्याएं हमने आपको सुनाई, और ये काफ़ी परेशान है कि नगर निगम जिस तरह से हड़ताल पे है, कचरा का उठाव नहीं हो रहा है, जिस वजह से लोगों को भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। एक तरफ तो लोग कोरोना की मार झेल ही रहे हैं, एक तरफ ये कचरे का जो ढेर लगा है इससे लोग में बीमारियाँ भी बहुत सारी फैल रही हैं। वहीं जो दुकान वाले उनका भी कहना है कि ग्राहक नहीं आ रहा है, बहुत बदबू हो रही है, दुकान भी चलाने में परेशानी हो रही है, और जो भी कस्टमर आ रहा है वो भी शिकायत कर रहे हैं।
और नगर निगम के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए और उनका कहना है कि जब तक हमारी वेतन नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक हमारी सरकार हमारी सारी मांगे नहीं सुन लेती है, तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे और पटना में कचरे का ढेर लगता रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार उनकी मांगों को सुनती है या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो बिहार को स्वच्छ रखने का सपना है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कचरे का ढेर पटना में लग रहा है उसे पटना को स्वच्छ तो नहीं रखा जा सकता। अब देखना यह होगा कि पटना फिर से कब स्वच्छ हो पाता है, नगर निगम के कर्मचारी कब अपने हड़ताल को समाप्त कर काम पर आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ।